अभिनेता अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनाया गया, जिसमें अरशद की जगह अभिनेता अक्षय कुमार को मुख्य किरदार के लिए चुना गया था। जॉली एलएलबी 2 के शूटिंग के दौरान से ही खबर आ रही थी कि अरशद को रिप्लेस करने की वजह से दोनों अभिनेताओं में अनबन चल रही है। हालांकि दोनों ही फिल्मों को फैंस ने काफी पसंद किया। 2017 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 2 के इतने साल बाद अक्षय ने अपनी आगामी फिल्म बच्चन पांडे से जुड़ी एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरशद और अपने बीच के विवाद को लेकर आई झूठी खबरों पर बात की। उनका कहना था, अरशद मियां के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा कि जब मेरी जॉली एलएलबी रिलीज हुई तो रिलीज होने वाली थी मेरी जॉली एलएलबी मीन मेरी जॉली एलएलबी रिलीज होने वाली थी तो लोगों ने लिख दिया कि हम दोनों का झगड़ा है खामखाम। तो मैं इससे बात कर रहा था क्योंकि मैं जब मैं करने भी वाला था तब भी मैंने इससे बात की थी राइट। और तो मैं यही देख रहा था कि कैसे खाम खाम का लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बिना कुछ जाने। उन्होंने ये सोचा होगा चलो ये जॉली एलएलबी 2 कर रहे हैं तो ज़रूर इनका झगड़ा लगा दो या झगड़ा लिख लो, हो ना हो कुछ भी हो। जैसे मैं पिछली बारी भी एक किसी ने लिख दिया था कि मेरा और रोहित शेट्टी का झगड़ा हो रहा है, खाम खाम का लिख रहे हैं। तो कुछ तो ये एक्सपीरियंस से यहाँ से शुरू हुआ था। और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं ये, बहुत ही हास्य हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कभी इनका कभी इनकी ज़िंदगी में कोई डल मोमेंट नहीं रहा है। और खाने पीने का बहुत शौक़ रखते हैं और बहुत ही उम्दा मज़ा आया। एंड आई होप आई विल बी वर्किंग विद हिम अगेन। इस दौरान अक्षय कुमार के साथ कृति सैनन, जैकलीन फर्नांडिस और अरशद वारसी भी मौजूद थे। फिल्म बच्चन पांडे की बात करें तो ये फिल्म होली के मौके पर यानी 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसके ट्रेलर को फैंस ने खूब पसंद किया है। INS रिपोर्ट।